हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्त की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज है संडे और आज हम थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि मैं 5 बजे उठी थी, फिर मैं सो गई क्योंकि ये लोग सो रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी सो रही थी, मेरी कल पूरी तबीयत ख़राब थी तो मैं दवाइयाँ लेके सोई थी। और आजकल ऐसा हो रहा है कि एक दिन मेरी ठीक रहती है, एक दिन मेरी ठीक नहीं रहती है। तो मैं नहा ली हूँ और ये जो कपड़े हैं ना, और कल भी मैंने नहीं धुले थे, मशीन में नहीं डाले थे, तो मैं डाल रही हूँ। मैं नहा रही थी तब तक इन्होंने ब्रश व्रश किया, अपना व्लॉग भी स्टार्ट किया है और ये चाय बना रहे हैं। तो बस मैं ये मशीन में डाल देती हूँ सारे कपड़े, इनका दिखाती हूँ साफ रसोई का क्या किया जाता है एक चाय बनाने में। ये देखो, ओ माय गॉड, दूध की भी बर्बादी। इस घर में 3-3 व्लॉगर्स हो गए हो गए, तुम करोगे आगे? आज से तुमको फोर्स करवा के करवा रहे। पहले दिन ही इतना हौच-पौच रहा, ये दो ये मैं किसकी वीडियो बना रही हूँ आप गैस कर सकते हो, पापा की बना रही हूँ। गिर गया है यहाँ पे, रोज ही गिरता है जब तुम करते हो। तो इसका ये फिसल जाता है? नहीं, ये वाला तो सही है, ये तो फिसल ही नहीं सकता, फिसला है। तुम फिसलाते हो कहीं, कैसे रखते, गलत हो गए। चलो मैं डालती हूँ मशीन में कपड़े। घंटी करने चल, तो लाइट ही ऑन है, तो ऑन क्यों नहीं हो रही? ट्यूबलाइट सुनो। अभी हम अंदर चुप रहो, तो ये चाय आ गई है और इसको पियेंगे क्योंकि वैसे तो बाहर पीते लेकिन नीलू दूध बाहर नहीं पी सकती ना, इसलिए यहाँ पे बैठ के पी लेंगे। फिर देखो आज बड़ी मुश्किल से धूप निकली है 2 दिन बाद, तो वहाँ पे थोड़ा सा बाहर टाइम स्पेंड करेंगे। साफ करूं, फिर राजमा चढ़ाऊंगी, चावल का पानी चढ़ा देती, फिर थोड़ी देर से ले जाऊंगी। ये देखो भीग चुके हैं और इसका पानी मैंने रख लिया है, अभी पौधों पे डाल दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि इसको और पटे को, ये भी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि काटो काटो इसकी सब्जी बनाओ, और इसके पास ना ये एक नया आ गया है, तो ये इस वजह से ये उखड़ रहा है क्योंकि गमला छोटा है। तो मैं सोचूँ काटूँगी नहीं तब तक बनेगा नहीं, तो फिर इसको आज काट लेते हैं, काट के रख लेती हूँ, अभी नहीं बनेगा बट टाइम मिला जब भी रात को या कल बना लूँगी, तो बन जाएगा ना तो सही रहेगा, 2-3 दिन चल जाती है इसकी सब्ज़ी। ये देखो एक ये हो रहा है, इसमें भी एक सदाबहार का एक निकल आया है, तो इस वजह से ये क्या है अपनी जड़ें छोड़ रहे हैं। तो चलो इसको काट लेती हूँ। Thank you.
तो फटाफट से नॉर्मल सा राजमा बना रही हूँ, नो अनियन गार्लिक, डेली में नहीं पड़ता है हमारे गार्लिक और अनियन, तो बस तेल डाल लिया। ये देखिए राजमा जो है वो बॉईल हो चुके हैं। ये मैंने सारे मसाले ले लिए, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची और हींग, इन पे मैं डाल लूँगी पानी, तो मसालों का घोल बन जाएगा। घोल बनाकर ही डालना चाहिए जिससे मसाले जलते नहीं है, अरोमा भी अच्छा आता है। फिर मैंने डाल लिए राई, कुछ लोग बोलते हैं आप राई क्यों डालते, क्योंकि मुझे जीरा उतना पसंद नहीं है, पहले मुझे राई पसंद नहीं थी, अब मुझे जीरा पसंद नहीं है तो मैं राई डालती हूँ। तो फिर ये मैंने डाल दिया है मसालों का घोल, इसमें जब तेल छूट जाएगा तब बस ये टमाटर की और मिर्ची का मैंने प्यूरी कर रखी थी वो डाल दी, ये पकेगी तब राजमा डाल देंगे। और चाहो तो इस छोंके को ना आप कुकर में डाल करके और फिर वापस से सीटी लगा सकते हो, जो राजमा भीगे उबले हुए हैं ना उन पे डाल के, तो बस तब तक मैं ये पकता है तब तक मैं ये जमा लूँगी, बर्तन जो है अपने जगह पे लगा दूँगी और उसके बाद बस राजमा डालेंगे और फिर सफाई वगैरह का काम करेंगे। तो ये देखिए मैंने राजमा डाल दिए, इनको पकने देंगे, उबाल आने देंगे अच्छे से, राजमा तैयार हो जाएंगे बस। तो हल्की सी रेसिपी मैंने दे दी, कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि कि दीदी रेसिपी दिया करो जो भी बनाओ, तो इसलिए दे दी है, वरना मैं राजमा की वैसे भी कई बार दे चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ करने लगी हूँ और उसके बाद सफाई करेंगे, उसके बाद वापस से नहा धो के तैयार होके जाएंगे नाश्ता करने बाहर। मैं हो चुकी हूँ तैयार, अब हम निकलेंगे कहीं भी, जहाँ भी जाएंगे। तो अभी नाश्ता बस ओनली टोस्ट एंड बिस्किट लिया था, तो ये बोल रहे हैं कि बाहर ही खाएंगे थोड़ा बहुत कुछ समोसा वगैरह, मैंने सोचा था कि यहाँ पे ले आएंगे, बट ये बोल रहे नहीं तैयार हो जाओ बाहर ही चल के खाएंगे। तो चलो मैंने ये ड्रेस पहन ली है और इन्होंने ये पहन ली है और इलू ने ये वाला पहन लिया है, तो चलो चलते हैं। इसके आगे जाके परकोटे के अंदर चले जाते हैं, मतलब वॉल्ड सिटी चार दीवारी के अंदर, जयपुर शहर का जो चार दीवारी इलाका है उसके अंदर चले जाएंगे और वहाँ यहाँ पे बहुत कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, तो लेकिन उससे पहले एम आई रोड पे लस्सी वाला आता है, वर्ल्ड फेमस है। तो लस्सी वाले के सामने तो रोको, ये सारी गाड़ियाँ लस्सी लेने के लिए रुकी है। देखते हैं लस्सी अच्छी होती है, इलू लस्सी क्यों नहीं पीती है, छाछ नहीं होती है। नीचे करो मलाई मार के, तो ये लोग पहले आ जाते जैसे ही गाड़ी रुकी, तो मैंने इन लोग के हाथ से दिलवा दिया है। कोई भी मुझसे मांगता है ना तो मेरा मन होता है कि दे दूं, बस मुझे बहुत पसंद। नहीं भैया नहीं चाहिए, भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मलाई वाली। सो गाइज ये लेने गए हैं खट्टेटा की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी। हम लोग जा रहे थे राजा पार्क, राजा पार्क के समोसे खाने के लिए, बट इलू ने बोला मैं तो आलू की कचौड़ी पसंद करती हूँ, तो फिर हम मम्मी तीनों फ्री कचौड़ी क्यों बताऊंगा स्टोरी है। फोन किधर रखा था मेरे पास है, तो बना लूं।
चटनी पतली कैसे दी है इसने? वो तो पैकिंग वाले में देते हैं वैसे। दुकान है यहाँ पे, स्पेशलिटी आलू की कचौड़ी ही है। ये देखो, ये भी खा रही है और ये भी खा रही है। और इसके पीछे एक स्टोरी है। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको। पापा जल्दी, पापा आप जल्दी से जल्दी मेरी शादी करा दो। क्यों बे? जल्दी करो नहीं तो मैं दादी से शादी कर लूंगा। दादी से? क्यों? क्या तू मेरी माँ से शादी कर? अरे यार करते से याद करो ये तैयारी चल रही है जोक्स शूट करने की शॉर्ट्स के लिए इलू के चैनल पे, है ना? तो अब मैं इनको शूट करूंगी। चलो स्टार्ट। ये देखिए हमारा लंच जो है वो लग चुका है और अब हम खाएंगे और फिर देखते हैं। ये व्लॉग मैं सोचूं यहीं पे एंड कर दूं थोड़ी देर में। मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन।